हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बहुत पावरफुल होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट एडवांस लेवल की फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं एमएस एक्सेल में। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन मैंने एमएस एक्सेल में ही प्रिपेयर की है। छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, कोई भी विजुअल बेसिक या फिर मैक्रोस ऐड नहीं किए हैं, कोई थर्ड पार्टी हमने एप्लीकेशन भी या सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज नहीं किए हैं, कोई डिजाइनिंग टूल्स यूज नहीं किए हैं, सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फॉर्मुलेज हैं। हाँ, थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज जरूर किया है, वो मैं आपको समझा दूंगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, पहले छोटा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ डेमो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को सीट के नेम से ही सिंक कर दिया है। यानी मैं सीट का नेम चेंज करूँगा और टोटली यहाँ पर सिंक करिए कि जनवरी यानी मंथ भी चेंज हो जाएगा, मंथ्स के डेट भी चेंज हो जाएंगे, मंथ्स के नेम और मंथ की जो सारी डेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये मैंने 2021 के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से या करंट डेट के हिसाब से मैंने खाली जनवरी टाइप किया है, तो मेरे करंट कैलेंडर आ गया है। आप यहाँ पे चाहते हो कि मुझे लास्ट ईयर की अटेंडेंस ट्रैकर मारनी है, तो सिंपली जनवरी की जगह आपको क्या टाइप करना है, जनवरी -20 एंटर कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके डेट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, आपके नेम्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, आपके डेज के नेम भी चेंज हो जाएंगे दोस्तों, संडेज भी चेंज हो जाएंगे, संडेज ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे आपके। वहां पर एंट्री आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये संडे है। ओके, तो इसको मैं भी वापस जनवरी कर लेता हूँ। करंट कैलेंडर पे अगर आप जाना चाहते हैं सिंपली जनवरी टाइप कर दीजिए, आपका जो करंट मंथ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, संडेज ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर मैंने और छोटा सा यहाँ पे एडवांस लेवल का कस्टमाइज करने का कोशिश किया कि सारी सैलरीज को मैंने यहाँ से सिंक कर दिया है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर किसी भी एम्प्लॉयज की अगर हम अटेंडेंस मार्क करते हैं तो वो हाईलाइट तो हो ही जाएगी दोस्तों, सिंपली वो इतनी सिंक है, पूरा डेटा यहाँ पर उसकी सैलरीज को भी इफेक्ट करके, यहाँ पर उसकी सैलरीज कैलकुलेट करके भी आपको बता देगा दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हमने इस तरीके से सारा का सारा मामला सेटअप कर रखा है यहाँ पे। ओके, अब हमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने पूरे 12 महीने के ट्रैकर पे मैप कर दिए हैं, जनवरी टू लेके दिसंबर तक सारे के सारे मंथ्स मैंने इसमें ट्रैकर में ऐड कर दिए हैं। वन टाइम आपको करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी दोस्तों। लास्ट में छोटे मैंने आपके लिए छोटा सा यहाँ पर एक और छोटा सा सरप्राइज और रखा है कि इन सभी टेबल्स को मैंने एक ही टेबल से सिंक कर दिया है। लाइक मैं समरी वाली शीट पे आता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन का कैलेंडर यहाँ पर प्रिपेयर किया है और ये कैलेंडर सभी शीटों से लिंक है। जैसे सपोज कीजिए मुझे अगस्त वाले मंथ पे जाके कुछ काम करना, तो सिंपली मैं अगस्त वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी द मैजिक, डायरेक्टली हम अगस्त वाली शीट पे आ गए हैं और यहाँ पर हमें जो भी एंट्रीज करनी, जो भी करेक्शन करना हमारी एंट्रीज में वो कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हमें कुछ डेटा कैलकुलेशन देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। ओके, अगर मुझे वापस उसी शीट पे जंप करना है डायरेक्टली, तो सिंपली लोगो पे क्लिक करेंगे और मैं उस शीट पर वापस आ जाऊंगा दोस्तों। तो सभी सीटें मैंने आपस में सिंक कर दी हैं, टोटली ऑटोमेशन में है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एब्सेंट प्रेजेंट टाइप करने हैं और कुछ नहीं करना, बाकी सारी कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको ये मेरा डेमो जरूर समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत पावरफुल होने वाले दोस्तों। सो शुरू में आपसे एक छोटी सी उम्मीद करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उसके बिना आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगे। सो बेल आइकन को दबा के आप ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन के साथ में न्यू वर्कशीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में वर्कशीट आ गई है, देन व्यू टैब पे जाएंगे और इसकी ग्रिड लाइंस आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ओके, आपके पास में बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया है। ओके, शीट के नेम आप यहाँ पर रिनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जनवरी और एंटर कर देता हूँ। ध्यान रखे दोस्तों, कुछ भी काम करने से पहले आपको सीट को सेव कर लेना है, कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे सेव एज पे जाता हूँ, कंप्यूटर में मेरी डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सीट का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे अटेंडेंस 2021, एंटर कर देते हैं। नाउ फाइन, हमारी शीट हो गई है सेव। ओके, यहाँ पर आप ऊपर के थोड़े से कॉलम छोड़ दीजिए, थोड़ी सी रोज को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हेडिंग वगैरह ये फिर जो हमें टाइप करनी है, हमारी जो लोगो वगैरह ऐड करने, तो ऊपर की मैं 10 कॉलम छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली वो वाला डेटा मेरा पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये सिंपली डेटा एंट्री है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब रोल वगैरह, आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, आई होप ये आराम से आप पेस्ट कर लोगे, क्योंकि ये तो टोटली डेटा एंट्री का काम है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ इट्स फाइन। ओके, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। नाउ फाइन। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक रो आप छोड़ दीजिए ब्लैंक और यहाँ पर ऊपर आप टाइप कर लीजिए मंथ का नेम, जैसे किस मंथ की डिटेल्स हम लेना चाहते हैं तो उस मंथ की डिटेल हम यहाँ पे ले लेते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसको अलाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ नेम। ओके, मंथ का नेम यहाँ पे लेना है और इसको थोड़ा सा आप विजुलाइज करने के लिए इसकी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं विड्थ वगैरह। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल। ओके, यहाँ पर मंथ का नेम डालना है तो सिंपली क्या करोगे आप कि आपकी जो भी डेट यानी कि यहाँ पर जो मंथ का नेम आए वो सीट से सिंक होके आए, उसके एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों।
आई होप आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर कॉपी करके बता देता हूँ। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, कि आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उस फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद के साथ में एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो देखिए मेरे पास में जनवरी यहाँ पर फैच होकर आ गया दोस्तों। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लीजिए और थोड़ी सी इसकी विड्थ भी बढ़ा लीजिए। नाउ फाइन, ओके, तो देखिए मंथ आ गया। अब आप यहाँ पर जैसे फरवरी करना चाहते हैं, जैसे मैंने जेन की जगह पे फरवरी किया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर फरवरी ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों। ओके, तो हम यहाँ पे जनवरी को रख लेते हैं डेमो के लिए, बाद में चेंज करके मैं आपको सारे बता दूंगा। नाउ फाइन, अब हमें लिखनी है इसमें फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि यहाँ पर कुछ डेट्स भी डालनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप दो तीन कॉलम टाइप कर लीजिए यहाँ पे ना, मैं दो रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो कॉलम को मर्ज कर लिया मैंने यहाँ से, इसको फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, देन यहाँ पे इसको देता हूँ बोल्ड। नाउ फाइन, इसमें टाइप कर देते हैं फ्रॉम डेट यहाँ पे टाइप करनी है। तो देखिए फ्रॉम डेट अगर आपको किसी भी महीने की फर्स्ट डेट टाइप करनी है, किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट टाइप करनी है अगर आपके पास में मंथ है, तो उसके लिए आपके पास में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बराबर का निशान दबाएंगे, डेट वैल्यू वाले फॉर्मूले को पिक कर लेंगे, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर वन दे देंगे अगर फर्स्ट डेट चाहिए तो वन, एंड का साइन दबाएंगे और यहाँ पर डेट में जो महीने का रेफरेंस है वो दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए आपके पास एक कोड जनरेट होगा, कोड को आप डायरेक्टली डेट में चेंज कर सकते हैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट 3 हैश के साथ में। ओके, ये आपका चेंज हो गया है। नाउ इसको भी आप अलाइन कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा इसका वैल्यू यहाँ पर बढ़ा लीजिए। ओके, आप इसको क्या कीजिए, 3-4 यहाँ पर आप सेल ले लीजिए और उनको मर्ज कर दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ओके, नाउ इट्स प्रॉपरली फाइन। इसको आप कॉपी करके एज इट इज पेस्ट कर लीजिए यहाँ पर, या फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, एज इट इज फॉर्मेट ले लिया आपने। यहाँ पर आपको क्या देना है, टू, यानी कि लास्ट डेट देनी है, तो सिंपली 2 टाइप कीजिए। और यहाँ पर अगर किसी भी महीने की लास्ट डेट निकालनी है दोस्तों, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर का निशान दबाएंगे, ईओ मंथ टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरा स्टार्ट डेट, यानी उस महीने की कोई भी डेट आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये दे दी, कॉमा टाइप कीजिए, मंथ चाहिए कौन सा मंथ चाहिए, यानी कि एग्जिस्टिंग मंथ की आखिरी डेट चाहिए तो 0 टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो उसी मंथ की आखिरी डेट आपके पास में आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कलर दूसरा दे सकते हैं, 2 वाली को यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइट कलर ले लेता हूँ, सॉरी ब्लू कलर लेते हैं। नाउ फाइन, ओके, तो इस तरीके से आप ये फ्रॉम डेट और टू डेट समझ गए होंगे। डेट से रिलेटेड सारे जितने भी फॉर्मुलेज होते हैं मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल करके रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है, बहुत जबरदस्त वीडियो, काफी पावरफुल वीडियो है, आप जाके जरूर देखना, आपको वास्तव में वहां पर देख के बहुत मजा आ जाएगा। ओके, नाउ फाइन, अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम किया है कि ये जो दो सेल है ना, एम्प्लॉय आईडी और इसमें मैंने क्या किया, दो सेल्स को आपस में मर्ज किया है। क्यों किया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि ऊपर तो मेरे आ जाए डेज संडे मंडे ट्यूजडे वेनेसडे फ्राइडे वगैरह, ओके, और नीचे आ जाए मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मेरी डेट्स और डे दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले डे ले लेते हैं, तो डे के लिए क्या करेंगे, बराबर का निशान दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट वाली डेट पे, एंटर कर देता हूँ। डेट को अगर आपको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है नंबर में, तो सिंपली कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कीजिए, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास में फॉर्मेट सेल का, यहाँ से इन सबको कर दीजिए डिलीट और सिंपली डी टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस करके छोड़ दीजिए। तब आपके पास में इसमें से जो डे थे ना वही यहाँ पर आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों कि इस फॉर्मूले को मैं चाहता हूँ कि इधर इस तरीके से ड्रैग करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पूरी काउंटिंग मेरी आ जाए महीने ही। तो आप कहोगे कि सिंपली इसको क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, प्लस 1 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब इस फॉर्मूले को आप इधर कंट्रोल आर या फिर इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, फॉर्मूला चला जाएगा आपका, बिल्कुल चला जाएगा आपका फॉर्मूला। बट हमें क्या करना दोस्तों, इसको इस तरीके से सिंक करना है। मैं ये चाहता हूँ कि यानी कि जनवरी 31 की है, अगर फरवरी में करेंगे तो वो आगे कैसे जाएगा, फरवरी में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, फरवरी में भी वो 31 डेट दिखाएगा, मार्च में भी दिखाएगा, यानी कि जिस महीने में डे कम होंगे उसमें भी वो 31 तक दिखाएगा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे लॉजिकल फंक्शन का यूज, लेकिन लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड बहुत जबरदस्त और पावरफुल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ पे जाके जरूर देखना, वो वीडियो बहुत अच्छी है। वहाँ पर आपके इफ़ एक बार देखते ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुरंत ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, मल्टीपल इफ्स कैसे लगाते हैं, नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं और फॉर्मूलेज के साथ में कैसे कोलैब करते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सारे कस्टमाइज यूज मैंने वहाँ पे बताएं। एक ही वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत अच्छी और काम की वीडियो दोस्तों, तो आप आई होप वहाँ पे जाके जरूर विजिट कीजिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि हमारे पास में इस डेट से, यानी कि जो लास्ट डेट है उससे कोई भी बड़ी एंट्री नहीं होनी चाहिए, पहली चीज यही क्लियर होगी। ओके, यानी इससे बड़ी एंट्री हमारे पास में होनी ही नहीं चाहिए। लास्ट डेट आ गई है, जैसे इससे पहले वाले कॉलम में अगर लास्ट डेट आ गई तो मुझे वहाँ पे ब्लैंक चाहिए। तो सिंपल सी कंडीशन क्या हो गई कि यानी कि जिस सेल में मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ उसके अंदर क्या हो, जो उससे पहले जो डेट एंटर की गई है वो या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए दोस्तों, ब्लैंक आ जाए। अदरवाइज जो पहले वाली सेल में एंटर की गई है उसमें +1 हो के मिल जाए, तो बराबर का निशान दबाएंगे, इफ का फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर देंगे, इफ लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे दोस्तों, इस सेल के लिए देंगे, इस सेल को हम कर देंगे लॉक F4 से। अगर इसके बराबर है
या इससे छोटी है या इससे बड़ी है, सॉरी इससे बड़ी है, कौन सी रेंज, कौन सी वाली वैल्यू, ये तो आप यहाँ पर क्या दे देंगे, ब्लैंक आ जाए, तो ब्लैंक के लिए हम कोमा दबा के डबल कोट्स यहाँ पर कर देंगे, देन कोमा। अगर ये वाला लॉजिकल टेस्ट हमारा फेल हो जाता है यानी कि फॉल्स आता है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमारी पहले वाली जो वैल्यू है उसके अंदर प्लस वन हमें मिल जाए, तो उसमें प्लस वन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास में आ गया। फॉर्मूले को अब आप इधर राइट में ड्रैग कर लीजिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे कंट्रोल आर कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैं 31 से आगे भी लेके जाता हूँ ना, तो मेरे पास में ब्लैंक वैल्यूज आएंगी दोस्त, ओके। तो मैक्सिमम डेज हमारे पास में 31 ही होते हैं, तो मैं 31 तक एंट्रीज रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। इसका आप एग्जांपल यहाँ से जैसे मैं मंथ को चेंज कर लेता हूँ, जैसे जनवरी की जगह मैं फरवरी कर लेता हूँ, F2 और एंटर करता हूँ। नाउ देखिए मंथ भी चेंज हो गए, मंथ की डेट्स भी चेंज हो गई हैं, पर यहाँ पे खाली 28 एंट्रीज ही आई हैं, बाकी में क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला तो दिख रहा है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, ओके, क्योंकि हमने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर यूज कर लिया है। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम कर लेते हैं जनवरी, ताकि पूरे 31 डेज तक हम देख सकें। नाउ फाइन, ये तो हो गया हमारे पास में डेज, सॉरी डेट्स आ गई। अब मुझे यहाँ पर इन डेज से डेज भी चाहिए, यहाँ पे संडे मंडे ट्यूजडे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बराबर का निशान दबाएंगे, टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे इसका डे वाली का, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं नीचे से, तो थोड़ा सा नीचे मुझे ओके, यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया मैंने, देन कोमा, अगर डे चाहिए तो 3 times यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम DDD टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फ्राइडे आ गया, फॉर्मूले को आप कंट्रोल आ के साथ में रिपीट कर लीजिए, सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी दोस्तों। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ये दे देते हैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, नाउ इट्स फाइन, ओके। आप चाहें तो इसको इस तरीके से इनको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप अलाइन कर लीजिए, मैं इनको रोटेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। नाउ ऑल्ट ओ सी ए यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी दोस्तों। नाउ इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए, ये प्रॉपर एडजस्ट हो गए। नाउ आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारे पास में कम है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली मैं इसको थोड़ा और मर्ज कर लेता हूँ। नाउ फाइन, ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इजीली विजिबल हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर लो, हल्का सा एडजस्ट करोगे तो ये हो जाएगा। नाउ नाउ फाइन, ओके, इसको भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा फ्रंट साइज डाउन कर लीजिए तो भी ये बैठ जाएगा आपका, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ों में, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नाउ फाइन, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अभी तक का एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ गया होगा। अभी तक का एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ अंबर, और यहाँ पर कोई लाइट कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन, ओके। नाउ इट्स टोटली फाइन, अभी सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पे सेटअप हो गई हैं दोस्तों, ओके। अब आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे संडेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते रहें दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बॉर्डर यहाँ पर दे देते हैं, ओके, नाउ इट्स फाइन। इनकी रेंज आप थोड़ी सी यहाँ पर इस तरीके से कर लो, ताकि हल्की सी थोड़ी सी बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़े, थोड़ी सी। नाउ फाइन, प्रॉपर विजिबिलिटी आ गई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमें दो चीज़ लगानी है, एक तो लगानी है हमें क्या, फॉर्मेटिंग लगानी है, और एक लगानी है डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं, ताकि प्रेजेंट एब्सेंट और लीव के अलावा कुछ एंट्री नहीं हो। तो किसी भी एक सेल पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर चलिए डेटा वैलिडेशन में, पहले हम ये एंट्री कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देते हैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली शॉर्ट्स में टाइप कर देते हैं, डायरेक्टली टाइप कर दो आप, कोई शॉर्ट्स नहीं देना, पी टाइप कर दीजिए, कोमा ए टाइप कर दीजिए, कोमा और लीव के लिए एल टाइप कर दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए, देखिए आपकी ड्रॉप डाउन हो गई है तैयार, ओके। कंट्रोल सी करके सभी के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। नाउ फाइन, कंट्रोल वी करेंगे, ऑटोमेटिकली सब जगह पे ये वो आपकी लग गई है ना, ओके, नाउ इट्स फाइन। अब आपको देखो दोस्तों क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे संडेज ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएं, संडेज क्या होता है, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएं, तो आप क्या करोगे, पूरे डेटा को कर लीजिए सिलेक्ट इस तरीके से, या किसी एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक सेल को सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा, यानी कि ये सेल है ना, इस सेल के ऊपर आधार हो, यानी कि सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सिंपली क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यूज ये फॉर्मूला को पिकअप कर लेंगे, ओके। फॉर्मूला क्या है, देखिए कंडीशन क्या देनी है, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर संडे हो तो मेरा यहाँ पर कोई भी कलर आ जाए, फाइन, तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और फॉर्मूले में देंगे इस चीज़ की रेफरेंस, सेल का रेफरेंस दे दिए, कॉलम का रेफरेंस नहीं देना, रो का रेफरेंस देना दोस्तों, कॉलम हमारा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कॉलम तो हमारे चेंज होते जाएंगे इस तरीके से आगे आगे जाएंगे, लेकिन जो 11 नंबर की रो है वो हमारी फिक्स है, तो 11 से पहले का बॉर्डर हमें नहीं हटाना है, ई से पहले का बॉर्डर हटाना है, ताकि हमारे कॉलम स्टेबल हो जाएं। अगर ये वैल्यू कंटेन कर दी है, बराबर करती है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर संडे, डबल कोट्स क्लोज,
क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, फॉर्मेट में क्लिक कर लीजिए और सिंपली यहाँ पर मैं फिल इफेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू की जगह आप रेड कलर ले लो और यहाँ पर फॉर्म सेंटर कर लीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए। नाउ इट्स फाइन, ओके एंड ओके, नाउ फाइन, ओके इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पर इसकी पूरी फॉर्मेटिंग आप इस तरीके से दे सकते हैं। पूरे फॉर पूरे डेटा को कर लीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल भी कर दीजिए, संडेज ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए दोस्तों। जनवरी की जगह अगर मैं फरवरी यहाँ पे डेटा एंट्री करता हूँ फरवरी, तो फरवरी के संडेज भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायनेमिक चेंज भी हो गए हैं और हाईलाइट भी हो गए दोस्तों। तो आई होप सो आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे एब्सेंट के लिए भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, उसी डेटा को कर लीजिए सिलेक्ट और सॉरी डेटा को कर लेंगे सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा रूल लगा देंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन एब्सेंट आता है तो हमारे पास में रेड फिल आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहीं पे भी ए टाइप करेंगे ना दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे ए टाइप किया, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। पी करेंगे नहीं होगा, एल करेंगे नहीं होगा, लेकिन जैसे आप ए करेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों। तो आई होप सो आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम सैलरीज का ब्रेकअप देख लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर ली हैं ऑफलाइन में, ओके, ताकि हमें डेटा यहाँ पे फीड होता हुआ दिखाई दे। तो एक दो कॉलम छोड़ के आप यहाँ पे एंट्रीज कर लीजिए, मैंने वहाँ से पूरे पैरामीटर कॉपी कर लिए जो जो हमें सैलरीज ब्रेकअप में ऐड करने होते हैं, ओके, जैसे प्रेजेंट डेज कितने, एब्सेंट डेज कितने, मंथ में डे कितने थे, बेसिक सैलरी कितनी है, पी एफ कितना डिडक्शन करना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, आप डायरेक्टली टाइप कर लेना, ओके। प्रेजेंट डेज निकालने हैं यानी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पे पी लिखा हुआ वो काउंट करके बता दीजिए, तो सिंपली बराबर का निशान दबाएंगे और काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज दे देंगे पूरी की पूरी ये, और ये कर दी मैंने सिलेक्ट पूरी रेंज, ओके कॉमा, अगर इसमें पी है तो हमें काउंट करके बता दे, जहाँ जहाँ पे पी है वो काउंट करके बता दे, कंट्रोल डी कर दीजिए, ये हमारे पी हो गए, हमारी प्रेजेंट डेज आ गए दोस्तों। एब्सेंट डेज निकालें, सेम फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, पी की जगह पे ए लिख दीजिए, ओनली एब्सेंट आ जाएगा, फाइन, ये हमारे पास में एब्सेंट डेज आ गए हैं। टोटल मंथ में कितने डे थे वो निकालें तो सिंपली डे का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डी ए वाई डे, और यहाँ पर सीरियल नंबर जो लास्ट डेट है ना दोस्तों उसका रेफरेंस दे देंगे, इसको लॉग भी कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे, जैसे नीचे आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे डेज आ गए। पेबल डेज यहाँ पर बताने हैं, अब हमें पेबल डेज का मतलब क्या है, संडेज बताने हैं और प्रेजेंट डेज कितनी हुई वो सारे मिलके हमारे पास में यहाँ पे पेबल डेज में आ जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट प्लस संडेज को हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संडेज को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए काउंट इफ का फॉर्मूला वही यूज करेंगे, काउंट इफ यहाँ पर ये वाली रेंज दे देंगे, इसमें जितने भी संडे वो काउंट करके बता दो भैया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने संडेज वाले इसको कॉलम को कर लिया सिलेक्ट, इसको लॉग भी कर देंगे, कॉमा, इसके अंदर अगर हमारे पास में संडेज हैं तो संडे को काउंट करे, इट क्लोज, प्लस इसके अंदर जो एब्सेंट यानी प्रेजेंट डेज है वो भी ऐड हो जाए तो उसके लिए इसका रेफरेंस दे देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया दोस्तों वो किया खाली एफ ए एफ 11 तक, अगर डेज बढ़ेंगे तो वो रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करेगा, इसलिए आप क्या करो ऑलरेडी यहाँ तक की रेंज दो ए आई तक की। तो मैं इस कॉलम में क्या करता हूँ, एफ को डिलीट कर देता हूँ और ए आई कर देता हूँ, ओके नाउ इट्स फाइन, एंटर कर दीजिए, कंट्रोल डी के साथ में इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर लीजिए, तो आपके पास में पेबल डेज आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो प्रेजेंट डेज 0000 है, तो उस बंदे को हम चार दिन की सैलरीज क्यों पे करें, ओके, यानी कि जो बंदा एक भी दिन हमारे ऑफिस में नहीं आया है यानी कि उसकी पूरी एब्सेंट है तो उसको हम चार दिन की भी सैलरी क्यों दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को एडिट कर लेंगे, हम बता देंगे फॉर्मूले में एक और लॉजिक दे देंगे, यहाँ पर क्या लॉजिक दे देंगे दोस्तों, अगर बराबर का निशान है उसके बाद में इफ टाइप करेंगे, अगर यहाँ पर यानी कि जो प्रेजेंट डेज है अगर वो जीरो के बराबर है, किसके बराबर है, अगर जीरो के बराबर है तो हमें जीरो ही मिले उसका, पेबल डेज कितने हैं जीरो ही आए, अदरवाइज जो आ रहा है वो रिजल्ट आता रहे, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस कर दीजिए, इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए पेबल डेज जीरो हो गए। बेसिक सैलरी कितनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे एक रैंडम टाइप लेता हूँ, रैंडम फॉर्मूला लगा देता हूँ, बेसिक सैलरी में लिख देता हूँ 15,000 से 25,000 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर दीजिए, रैंडम वैल्यूज ऑटोमेटिकली टाइप हो गई, स्पेशल पेस्ट मैंने कर दिया, ओके। इसमें से पीएफ डिडक्शन कितना है, पीएफ डिडक्शन क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का हम क्या कर देते हैं 12%, 12.5% जो भी आपको लगाना हो मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5%, एंटर, फॉर्मूले को नीचे कर लीजिए ड्रैग, कंट्रोल डी, ओके। अब पर डे अमाउंट कितनी हुई यानी कि जो टोटल सैलरी है ना हमारी बेसिक सैलरी उसमें से हम कितने का भाग लगा देंगे दोस्तों, पूरे मंथ में कितने दिन थे उसका भाग यहाँ पर लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बराबर का निशान दबाएंगे, इस सैलरी को हम डिवाइड करना हमें किससे, टोटल नंबर ऑफ मंथ से, टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ, नीचे ड्रैग कर देंगे, पूरी वैल्यूज आ गई। अब इन हैंड सैलरी हमें बतानी है,
इन हैंड सैलरी यहाँ पे ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पर डे जितनी अमाउंट है और पेबल डेज जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बराबर का निशान दबाएंगे, यहाँ पर पेबल डेज मल्टीप्लाई बाई पर डे अमाउंट एंटर कर देंगे तो पर डे की अमाउंट आ जाएगी। कंट्रोल डी कर दीजिए, ये देखिए आपके पास में वैल्यूज आ गई हैं। इन सभी का आप क्या करोगे, डेसिमल रिमूव कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डेसिमल आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। नाउ फाइन, ओके, तो आपकी सैलरीज भी दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, लिंक हो गई है। फॉर्मेट थोड़ी सी कर लीजिए इसको, आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको ये वाली डिटेल तो पूरी समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से इसको सिंक किया है। अब आप यहाँ पर महीना चेंज कीजिए, जैसे मैंने किया जनवरी चेंज किया, सारी वैल्यू चेंज हो गई, मेरे पास में संडेज वगैरह यहाँ पर डाइवर्ट हो गए हैं। ओके, ज़्यादा संडे हो जाएंगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, बट आपको ध्यान क्या रखना दोस्तों कि हाईलाइट आपके संडेज होंगे और संडेज में एंट्रीज इस तरीके से आ जाएंगी आपके पास अगर आप एक ही मंथ में चेंज करोगे तो। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फरवरी टाइप कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास में ये गुम हो गया है। जो तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12 सीट्स कॉपी कर लेते हैं जनवरी टू लेके दिसंबर तक। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे माउस से। ओके, यहाँ पर लिखेंगे मूव और कॉपी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिएट ए कॉपी। ओके, देन जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो एक कॉपी हमारे पास में जनरेट हो जाएगी फेब्रुवरी टू, इसका हम रीनेम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जनवरी, एंटर कर देता हूँ, तो देखिए जनवरी की एक अलग शीट हमारे पास में क्रिएट हो गई है। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक एक शीट यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि हमारा टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूम ना हो, ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, स्पीड यहाँ पे एक्स्ट्रा करके। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर 12 मंथ की सारी शीट यहाँ पर ऐड कर दी है 1 to 1। ओके, अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का काम है, जो कि आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग माइंड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा डिजाइनिंग माइंड यूज करेंगे उतनी बेहतरीन आप यहाँ पे डिजाइन ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इन 12 शीट्स में क्या करनी है, हमें डिजाइनिंग फॉर्मेट ऐड करने, यानी कि कंपनीज वगैरह का नेम लिखना है। बहुत सिंपल है, आप एडिटिंग जितना आप डिजाइनिंग माइंड यहाँ पे यूज करेंगे उतनी बेहतरीन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ इंसर्ट टाइप पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ये राउंड रेक्टेंगुलर वाली शेप ले लेता हूँ। ओके, इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, जितना आपको एरिया में चाहिए उतनी में आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। ओके, मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, फिर आप यहाँ पे सेफ फिल में चले जाओ, इसमें कोई भी अच्छा सा कलर ले सकते हो। मैंने ग्रेडियंट कलर लिए हुए हैं, तो मैं ग्रेडियंट कलर पे जाके मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में ये ऐसी एक विंडो आ जाएगी, इस पर ग्रेडियंट फिल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरे पास में पहले का जो मेरा फिल कलर है वो आ गया है। आप और भी कोई चूज करना चाहें तो यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसके अनुसार आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी यही ले लेता हूँ और मैं इसमें ये वाली रेडियल वाली फ्रॉम सेंटर यूज कर लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ करण दादिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे फ्रंट साइड इंक्रीज कर लीजिए। ओके, इसको यहाँ से जाके आप अलाइन कर सकते हैं, सिंपली होम टाइप पे चले जाइए और इसको यहाँ पर सेंटर के अंदर अलाइन कर लीजिए। नाउ फाइन, कंट्रोल वी से बोल्ड कर दीजिए। आप चाहते हैं लैंग्वेज अलग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये ले लीजिए, आई थिंक इट्स मच बेटर। ओके, इट्स फाइन। अगर आप इस शेप को और डिजाइन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट में जा सकते हैं और यहाँ से सेफ इफेक्ट में, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आप प्री सेट लगाना चाहें तो प्री सेट भी लगा सकते हैं, शेडो देना चाहें तो इनर शेडो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर बीवल आके आप ये बीवल भी दे सकते हो। तो इस तरीके की आपके पास में एक 3D डिजाइन आपके पास में आ जाएगी। ओके, तो आप इजीली ये कर सकते हो। अब हमें सीट्स के लिए एक लोगो भी क्रिएट करना है, तो लोगो भी आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इधर स्पेस दे के और यहाँ पर एक स्पेस बना लेता हूँ। अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए मुझे लोगो क्रिएट करना है, तो सिंपली वहीं पर जाएंगे इंसर्ट टैब पे और यहाँ से कोई भी एक शेप ले लेंगे गोल टाइप की। हाँ, मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पर डोनट राउंड वाली ले लेता हूँ और इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, इसकी रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ इट्स फाइन, और इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक राउंड यहाँ पर बन गया। आप इसको भी चाहें तो यहाँ से जाके और ग्रेडियंट फिल वाले कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए, देखिए ग्रेडियंट कलर भी जैसे क्लिक करेंगे तो सेम आपके पास में फॉर्मेट आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी कलर चेंज कर लीजिए, लाइक मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर वाइट या अंबर कर लीजिए। ओके, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से और सेंटर में यही कलर रख लीजिए। सेंटर में आप कलर चेंज कर दीजिए, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिजाइनिंग माइंड यहाँ पर यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी कलर्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे दोस्तों। ओके, और इसको आप अगर कुछ और शेप देना चाहें तो लाइक ये दे सकते हैं। जितने टाइप के आप कलर्स यूज करेंगे यहाँ से उसको रेडियल को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके की आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका लोगो यहाँ पर क्रिएट हो गया दोस्तों। इसके अंदर आपको कुछ, जैसे मैंने होम वहाँ पे क्रिएट किया था कि होम के टाइप का एक फंट वहाँ पर ऐड किया, तो वो आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हो।
उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे एक। ओके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है दोस्तों, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से सिंबल्स पे क्लिक करना है और सिंबल में से आप यहाँ पर सिंबल आपको मिल जाएगा, वेबडिंग लैंग्वेज होगी उसमें आपके पास में आप एच क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा 72 नंबर का करेक्टर कोड है। ओके इंसर्ट करेंगे, ये देखिए हमारे पास में ऐड हो गया है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी मैं फ्रंट साइज यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर होम पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको बढ़ा लेते हैं। नाउ इट्स फाइन। ओके तो ये हमारा होम का लोगो एक तरीके से यहाँ पर आ गया है। आप चाहें तो इन दोनों शेप्स को ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल के साथ में प्रेस करिए और दोनों फोटोज को यानी कि जो दोनों आइकॉन्स हैं उनको आप यहाँ पर फॉर्मेट कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर जाके ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए, एज ए ग्रुप हो गया। ओके तो इट्स फाइन। अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाइए, इसको भी ग्रेडियंट आप दे सकते हैं, मोर ग्रेडियंट पर चले जाइए और यहाँ से आपके पास में ग्रेडियंट फिल आ जाएगा। ग्रेडियंट फिल में आप वही कलर दे सकते हो जो आपके लोगो का है। ओके यहाँ से आप उसकी रेडियल भी चेंज कर सकते हो, तो देखिए आपका लोगो भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। सो आई थिंक इट्स फाइन कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये कैसे डिजाइन किया। आप सभी शीट्स पे कर लेना, मैं आपको जस्ट एक शीट पे बता रहा हूँ। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि इन सभी शीट्स को एक शीट से लिंक करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड कर लेता हूँ और इस शीट को हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं और इस शीट का नाम रख लेता हूँ S1। ओके इसमें हमें बटन्स बनाने हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेते हैं। ओके ग्रिड लाइंस को रिमूव करेंगे, यहाँ पे बटन्स हमें क्रिएट करने, इंसर्ट टैब पे जाता हूँ और वही सिंपल है बटन यहाँ से क्रिएट करने। तो बटन्स के लिए आप यहाँ पर ये वाली शेप ले सकते हैं, टर्मिनेटर वाली। ओके इसको आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, इसको भी आप यहाँ फॉर्मेटिंग दे दीजिए, यहाँ से आप इसको ये कर लीजिए और ना यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लीजिए, लाइक भी इस तरीके से कर लीजिए। शेडो देना चाहते हैं तो आप चले जाइए यहाँ पर शेडो में और यहाँ से इसको इंसर्ट, शेडो नहीं देनी है रेन दो बीवल दे देते हैं ऊपर, है ना, ये बीवल दे देते हैं। नाउ इट्स फाइन, प्रॉपरली आपके पास बटन क्रिएट हो गया। इसमें आप जैसे लिखना चाहें वो लिख सकते, जैसे मैं लिख देता हूँ जनवरी और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। नाउ इट्स फाइन और इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक। नाउ टोटली फाइन। ओके इसका थोड़ा सा फ्रंट साइज और इंक्रीज कर लीजिए। नाउ इट्स प्रॉपर फाइन। इसके साथ आप बहुत सारी कॉपीज़ कर लीजिए इस तरीके से, मैं कॉपीज़ कर लेता हूँ। आप आई होप ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ। ओके ये मैंने इसकी 12 कॉपीज यहाँ पर कर ली हैं, फटाफट से मैं इनके रिनेम भी कर देता हूँ, आप भी यहाँ पे कर देना। ये थोड़ा सा मैं फास्ट यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। नाउ फाइन मैंने इन सबको रिनेम कर दिया है। आप चाहे तो इनके पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर लगा सकते हैं, कोई शेप लगा सकते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर चले जाइए इंसर्ट में और जैसे मैंने शेप लगाई थी उस तरीके की शेप आप यहाँ से इसको ले सकते हैं और इस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। ओके कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड टू बैक। ओके सेंड टू बैक करेंगे तो ये इनके पीछे चली जाएगी। इसको आप डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने लाइट कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके का ताकि जो मेरी वैल्यूज वहाँ पर फीचर हुई है वो दिख रहे हैं। इसको आप प्रीसेट्स दे सकते हो इस तरीके का और यहाँ से इफेक्ट में जाके आप इसको थोड़ा सा बीवल दे दीजिए इस तरीके का और इसको थोड़ा सा 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके शेप इफेक्ट में आप यहाँ पर ये दे दिया आपने। नाउ फाइन प्रॉपरली आपका यहाँ पर ये शेप आ गई है। ओके आप चाहें तो इसको भी कस्टमाइज कलर दे सकते हैं, यहाँ पर सेव फिल में जाके इसको भी आप ग्रेडियंट कलर से मैच कर सकते हैं तो ये थोड़ा और भी प्रॉपर लुक आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, सॉरी यहाँ पर ग्रेडियंट फिल में जाता हूँ तो देखिए एक अच्छा सा लुक मेरे पास में आ गया है। और इसको 3D में और कन्वर्ट करना तो आप ओवर एडिटिंग कर सकते हो, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ऑलरेडी इसलिए मैं बार बार ये नहीं बता रहा। ओके तो अब हमें इन शीट से लिंक करना था, सिंपली क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जाएंगे हम जनवरी मंथ में। ओके यहाँ पे मुझे लिंक करना था, सिंपली हम क्या करेंगे इस लोगो पे क्लिक करेंगे देन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक खोलेंगे तो एक विंडो अपने पास में आ जाएगी, ये कह रहा है कि आपको किस डॉक्यूमेंट को इसके साथ में लिंक करना है। तो देखिए हमारे पास में जितने भी समरी के अंदर हमारी जो शीट्स है ना दोस्तों, जितने भी शीट टैब्स हैं उनकी सबकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ओके तो मुझे क्या करना है इसको S1 से लिंक करना है, तो मैं S1 पे क्लिक करता हूँ देन ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एज ए बटन क्रिएट हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली होम टैब पर आ जाता हूँ। अब जनवरी को अगर जैसे मुझे मान लीजिए लिंक करना है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ हाइपर लिंक करता हूँ और जनवरी को किससे लिंक करना है यहाँ से, तो मैंने जनवरी को सिलेक्ट कर लिया देन ओके प्रेस कर दिया। ऐसे ही मैं फरवरी की कर लेता हूँ, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ सभी की एक बार लिंक कर देता हूँ। मैंने ये सारी शीटें यहाँ पर सबकी लिंक कर दी हैं। ओके आप यहाँ पे हेडिंग भी देना चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे जा सकते हैं और यहाँ से एक शेप ले सकते हैं जिसमें आप यहाँ पर हेडिंग प्रॉपर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटन टाइप का ही ले लेता हूँ ताकि शेप हमारी इफेक्टिवली दिखती रहे, 3D थोड़ा टाइप दिख जाए यहाँ पे। ओके मैं ये थोड़ी सी यहाँ पर हेडिंग के लिए लिख लेता हूँ, इस पर लिख देता हूँ जैसे हम अटेंडेंस 2021। ओके
अटेंडेंस कैलेंडर वगैरह जो भी आप लिखना चाहें ना वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इसको इस तरीके से फ्रंट आउट कर देते हैं। नाउ सेंटर लाइन, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रंट साइज आप इंक्रीज कर लीजिए। सेप को आप थोड़ा सा अगर इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से वही फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं जैसा मैं आपको बताया था। फिल में जाके आप यहाँ से ग्रेडियंट ले लीजिए और यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैचिंग कलर मिल जाएगा। ओके नाउ फाइन, और इसको आप यहाँ पर रेडियल वगैरह चेंज करना चाहें तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ से आप इसका फ्रंट ब्लैक कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। ओके तो इट्स प्रॉपरली विजिबल, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो लिंक हमारे टोटली हो गई, इसमें अप्रैल पे क्लिक करता हूँ, अप्रैल वाली शीट मेरे पास में ओपन हो गई है। होम पे क्लिक करेंगे, वापस हमारी मेन शीट पर आ जाएंगे। सेप्टेम्बर पे क्लिक करते हैं, सेप्टेम्बर आ गया। ओके दोस्तों, तो फुल्ली ऑटोमेटेड और फुल्ली लिंक हमने इसको कर दिया, सारी सीटें आपस में ऑटोमेटिकली लिंक हो गई। सैलरीज के डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई थी कि ऑलरेडी हमने सैलरीज यहाँ पे ऐड कर दी है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर नहीं करी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग वाली ये वाली एक्सेल चाहिए, यानी कि पूरी शीट आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल जरूर कर दूंगा। आई होप सो आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।